राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम कारुण्य रूपम करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये प्रणम सरसा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मृतमायुष्कामात सिद्धये मात पिता गुरु संत मानुष ना जानिए यह सब है नंद किशोर। हम जब तक जिएंगे कुछ तो होना है, तय है, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब तुम जय श्री राम बोलते हो ना, जब तुम्हारे मुस्कान आती है ना, जब माताएं हमारी मुस्कुरा देती हैं, बेटा ये भैया कह देती ना, तब हमारा दिल खोल जाता है, लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं करनी है। देखो, अमृत सबको नहीं पचता है। हम आपको एक बहुत अच्छे सज्जन है हमारे, वो है तो राजनीति में, उन्होंने चार चीजें कही थी, हमने लिखी, हमें बहुत मजा आया उनको सुन करके। हमारे यहां पर चार अमृत बताए गए। एक शहद को अमृत बताया गया, लेकिन भैया शहद को कुत्ता चाट ले तो मर जाता। शहद अमृत है लेकिन कुत्ता चाट ले तो क्या हो जाता है, मर जाता है बेचारा। एक घी क्या है, हमारे यहां गाय का घी औषधि में अमृत बताया गया, लेकिन घी को मक्खी ज्यादा खा ले तो मर जाती है, तो अमृत, लेकिन मक्खी खा ले ना तो मर जाती। उसी प्रकार एक है अपने यहां मिश्री को भी आयुर्वेद में अमृत कहा कई जगह, लेकिन मिश्री को गधा खा ले तो वो भी मर जाता है तो अमृत, लेकिन बेचारा गधा खा ले तो मर जाता। एक है महाराज हमारे यहां नीम को हकीम कहा, नीम हकीम है। पहले गांव में नीम की पद्धतियां बहुत चलती थी, नीम हकीम है। और नीम पर रहने वाला कौवा अगर नीम की निबोरी खा ले तो कौवा भी मर जाता। है तो बालाजी का दरबार अमृत, लेकिन जो पचा नहीं पाता है वो भी बेचारा तिल मिला जाता है। अब आप अपने हिसाब से अगर लेना भी चाहो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अपने हिसाब से तौलना भी चाहो तो हमें कोई हिम्मत दिक्कत नहीं है। देखो ना, मैं थका हूं ना हिम्मत हारी है, हौसला सनातन में मर मिटने का है, इसलिए मेरी उड़ान अभी जारी है। दो में से एक करना, आज के बाद या तो तुम सन्यासी बाबा को मानना छोड़ देना, या आज के बाद सन्यासी बाबा के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। पूछो उससे क्या होगा, पूछो। जब जब विपत्ति आएगी, जब जब संकट आएगा, जब जब परेशानी आएगी, हमारे सन्यासी बाबा बचाने चले आएंगे।